नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत ही स्वागत है आपके अपने चैनल में। क्या दोस्तों आपको भी 8D सॉन्ग सुनना पसंद है? दोस्तों अब जब 8D सॉन्ग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सॉन्ग हमारे एक कान से लेकर दूसरे कान तक पहुंच जाता है। तो क्या आपको भी अपने फ़ोन में 8D सॉन्ग बनाना सीखना है? तो दोस्तों अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको 8D सॉन्ग आप काइन मास्टर की मदद से कैसे बना सकते हो वो सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो डायमंड चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें काइन मास्टर को ओपन करना होगा। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो काइन मास्टर डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद एक कोई भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, और चलिए मैं ये ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे ग्रैब करता हूँ। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको बाद में क्या करना होगा, तो आपको अब 8D सॉन्ग बनाना है तो आपको सॉन्ग चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी नो कॉपीराइटेड सॉन्ग चूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी सॉन्ग चूज़ कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। तो यहाँ मैं ऑडियो पर क्लिक करके कोई भी एक सॉन्ग चूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक सॉन्ग चूज़ कर लिया है। अब इसे हम 8D में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे इस सॉन्ग को यहाँ तक मतलब कुछ सॉन्ग कट कर लेता हूँ। इतने बड़े सॉन्ग को हमें नहीं बनाना है, तो यहाँ से मैं कुछ सॉन्ग यहाँ से कट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ, ऑडियो को भी ट्रिम कर लूँगा। ये मैंने कर लिया। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, आपने जो सॉन्ग चूज़ किया होगा उसे आपको उसका डुप्लीकेट बना लेना है। उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको इसमें बना लेनी है। वो कैसे बनाएंगे, तो आप उस सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, उस 3 डॉट्स पर आप क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस डुप्लीकेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देख सकते हैं आपके सॉन्ग का एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बन चुकी होंगी। तो मतलब वही सॉन्ग है लेकिन सिर्फ उसकी एक कॉपी है। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आप उस पहले वाले सॉन्ग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन साउंड पे क्लिक कर देना होगा। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंप्रेसर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस कंप्रेशन को ऑन कर दीजिए। और जो पहला ऑप्शन है लेफ्ट का, तो उस लेफ्ट के ऑप्शन को फुल कर दीजिए राइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। दूसरे सॉन्ग पर आपको क्लिक करना होगा। दूसरे सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिर से साउंड पर क्लिक करना होगा, और कंप्रेसर को ऑन करके यहाँ पर राइट को आपको लेफ्ट कर देना होगा फुल। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अभी तक आपका 8D सॉन्ग रेडी नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, अब दोस्तों आपने दोनों साउंड मतलब आपके यहाँ पे जो साउंड्स है वहाँ पे आपको 5 सेकेंड के बाद एक मार्क कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे 5 सेकेंड के बाद इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ फिर से मैंने 5 सेकेंड के बाद फिर से यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। दोस्तों ये आपको करना ही होगा, क्योंकि इसके बाद हमें कोई इसके साथ कुछ करना है, इसलिए हर 5 सेकेंड के बाद आपको अपने सॉन्ग को इसे मार्क करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे 20 पे ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड के बाद मार्क कर लिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले अपने फर्स्ट सॉन्ग को चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिए। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 100 पे क्लिक दिखेगा, मतलब 100 पे होगा। तो आपको यहाँ पे आपके फर्स्ट मार्क पे आना है। फर्स्ट मार्क पे आने के बाद आपको इसे फुल कर देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको सेकंड मार्क पे आना है। सेकंड मार्क पे आने के बाद आपको इसको 0 पे कर देना होगा। फिर से थर्ड मार्क पे आइए, इसे फिर से फुल कर दीजिए, और फिर से यहाँ पे फोर्थ मार्क, और इसे 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको सेकंड सॉन्ग को क्लिक करना होगा, और सेकंड सॉन्ग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से तीसरे ऑप्शन पे जाना होगा। फिर से आपको फर्स्ट मार्क पे आना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसे फुल नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसे 0 कर देना है। ठीक है, दूसरे सॉन्ग को ये ध्यान रखिएगा। फिर से आपको सेकेंड मार्क पर आना है, फिर से इसे फुल कर देना है, फिर से थर्ड मार्क,
और यहाँ पे इसे पूरी तरह से जीरो, और फिर से फोर्थ मार्क और इसे फुल, मतलब जो हमने फर्स्ट सॉन्ग किया उसका उल्टा हमें सेकेंड सॉन्ग के साथ करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो सॉन्ग होगा वो रेडी होगा 8D के साथ। अब इसे आप जब सुनोगे तब आपको 8D का फील आएगा, मतलब आपके एक कान से धीरे धीरे सॉन्ग आपके दूसरे कान में चला जाएगा और आपको बहुत ही कमाल का फील आएगा। तो चलिए दोस्तों इस सॉन्ग को सुनते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।